करीब 4 साल पहले 15 जून 2016 को स्प्रिट एयरलाइन ने बिहार के दरभंगा से कोलकाता के लिए उड़ान शुरू की थी और इस बात से वहां के स्थानीय लोग बहुत खुश थे। लेकिन एक उड़ान के बाद कोई विमान वहां से उसके बाद दोबारा उड़ान नहीं भर पाया। बताया जाता है कि तकनीकी कारणों के चलते कोई भी विमान वहां से उड़ान नहीं भर पाया। आपको बता दें, सबसे पहले उड़ान भरने वाले विमान में बताया जाता है कि एकमात्र यात्री के रूप में इंडिया टीवी के पत्रकार ने ही यात्रा की। विमान ने एक ही उड़ान भरकर रह जाने से स्थानीय लोगों को निराश कर दिया। लेकिन मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट उड़ान योजना के तहत आज एक बार फिर से दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। स्थानीय लोगों को चुनाव के बाद ये एक बड़ा तोहफा मिला है। आपको बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने कराया था। उस समय उनके पास 3 विमान थे। पहला कोलकाता के लिए फ्लाइट चलती थी और उसका लाभ तब व्यापारियों को भी मिलता था। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे यहाँ पे ग्रोथ भी आए फ्लाइट्स के साथ, और भी जगहों के लिए फ्लाइट करें, यही उम्मीद है। कंटिन्यू है। कहाँ से आए हैं? बैंगलोर। आप कहाँ जाना? मैं यही का हूँ, मधुबनी का, तो मैं अपने गांव जाऊँगा सतना। तो कुछ फ़ायदा दिख रहा है आप लोग को? जी हाँ बिल्कुल। पहले मैं पटना लैंड होता था, वहाँ से सिर्फ 4-5 घंटे की जर्नी करता था। आज यहाँ से कुछ आधे घंटे में मैं अपने गांव पहुँच जाऊँगा। बहुत अच्छा है, फेयर भी कैब है। खुशी है? खुशी बहुत ज़्यादा खुशी है। नाम बता? बहुत एक्साइटेड है। मेरा नाम है सुमित मिश्रा। निश्चित तौर पर जो मैंने सेवा उपलब्ध मिली है वो बहुत हद तक बहुत मैंने हर आदमी के दिल में थोड़े मिथिला जीवन छे, और वो जो जीवन छे मिथिला वो ये प्रावधान भेटली है, आवे के मौका भेटली है, वैसे की हेत कि वो आदमी अपन मिथिला के बचा पेते, अपन कल्चर के बचा पेते, और ऐसे कमिंग जेनरेशन जो मिथिला से दूर भ रहा है वो क्यों जेते। तो बहुत बहुत बधाई छे एहिठाम के एडमिनिस्ट्रेशन के, एहिठाम के नेता के, एत पैघ सुविधा हमरा सबके मिलल है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिथिलावासी में बहुत पहले से इंतजार था और नाउ रियली वी फीलिंग प्राउड। आज जो है ना, हम सरकार को थैंक्स बोलना चाहेंगे पूरे मिथिला की तरफ से। आज ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय है कि आज हम लोग यहाँ से पहला फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं। कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? कितना इंतजार के लिए जा रहे हैं? कितना इंतजार था? इंतजार बहुत समय से हम लोगों को था और पूरे मिथिलावासी को ही था, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का समय है और बहुत ज़्यादा गर्व का अवसर मिला है। दरभंगा को कुछ होगा इसके बाद? दरभंगा का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, और इससे जो है ना और तेज़ी से विकास होगा। इससे जो है ना आने वाले अगल बगल के हर जगह का विकास होगा। पहले क्या समस्या होती थी अगर कहीं जाना? पहले जाने के लिए फ्लाइट के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। दिल्ली अगर जाना हो तो पटना से जाना होता था, जिसमें 5-6 घंटा लग जाता था, समय का बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। यहाँ होने से इसका डेवलपमेंट के साथ जो है ना समय का भी बचत हो। मेरा नाम डॉक्टर कसीम।